हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे छोटे से चैनल रेलवे क्रैकर्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हमारा चैनल। देखिए मैं फटाफट क्वेश्चंस को करूंगा, लेकिन आपसे एक गुजारिश होगी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही बड़ा सेट लेके आ गया हूं फ्रेंड्स। देखिए इसमें कम से कम 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस आपको फर्स्ट शिफ्ट के, देखिए बहुत ही कम टीचर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हमारा जो अभियान है, जो अभियान चलता है, हमारे जो टीम्स जाती है बहुत सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करके आती है। तो देखिए क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में थोड़ा तो मेहनत लगेगा फ्रेंड्स, और आपसे रिक्वेस्ट होती है कि बस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। देखिए बहुत ही बड़ा क्वेश्चंस पेपर है, और क्वेश्चन पेपर में देखिए क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको करेक्ट वही ऑथेंटिकेट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बस आपसे यही विनती होगी। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आज के दिन के फर्स्ट शिफ्ट में 24 फरवरी के पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, चार्ज। चार्ज की ऐसा यूनिट पूछी गई है, ये हर एक बच्चे को पता होगा जो अभी क्लास में साइंस पढ़ते हैं। साइंस में देखिए मैं, मुझे तो लगता है ये क्लास फाइव से लेके जितने अभी तक हैं क्लासेस चल रहे हैं सभी में ये शायद ये इसका ऐसा यूनिट बताया गया है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब। दूसरा क्वेश्चन देख लेते, देखिए फ्रेंड्स एसएमएस का पूछा पूर्ण रूप पूछा गया था, एसएमएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या हो जाएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। देखिए मैंने जो भी फुल फॉर्म की ओर से बहुत सारी फुल फॉर्म्स मैंने करा रखी हैं अपने चैनल पर, अगर आपने देखा नहीं है तो आप जरूर विजिट करके देख सकते हो। नीदरलैंड के पूछा गया था कि मुद्रा, नीदरलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी, एक यूरो यूरो हो जाएगी। देखिए 1 यूरो इज इक्वल टू कितना होता है, आप कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पर कितना होता है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि 1 यूरो इज इक्वल टू व्हाट, कितना होता है हमारी जो इंडियन करेंसी के रूप में जो 1 यूरो होता है वो कितना होता है, ठीक है। और राजधानी पूछी, अगर पूछे नीदरलैंड की, ये पूछा जा रहा है राजधानी, ठीक है ना, विभिन्न देशों के, अगर हमारे भारत के राज्यों की राजधानी पूछे जाए तो आपको उसको भी कर देना है, क्योंकि सारा का सारा दे रखा है, हमारा वीडियो है बहुत ही बड़ा बड़ा वीडियो, आप उसको देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग से समझाया गया। यहाँ पर मानता हूँ कि मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि उस जो वीडियो ने मैं हैंडराइटिंग की भी बहुत ही लोगों ने तारीफ़ की है, तो आप उसको जरूर जाकर देखिएगा। नीदरलैंड की मुद्रा पूछी गई है तो क्या है, यूरो हो जाएगी, और राजधानी पूछा जाए तो एम्स्टरडैम हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, देखिए दिल्ली के लाल किले का निर्माण पूछा गया है कि किसने, किसके द्वारा किया गया है, तो ये लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया है, शाहजहां ने अपने बीवी मुमताज के दी, सॉरी ये तो ताजमहल हो गया, शाहजहां ने किया था लाल किले का निर्माण, और ये कब किया था, 1639 ईस्वी में, कब 1639 ईस्वी में इन्होंने किया है शाहजहां ने, जो अंतिम मुगल शासक था। देखिए क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो, देखिए मुगलों की जो अंतिम मुगल शासकों में अंतिम जो राजा कौन था, अंतिम जो शासक कौन था, तो ये शाहजहां हो जाएंगे, कौन नहीं हो जाएंगे, शाहजहां हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे फ्रेंड्स, आवेग का मात्रक पूछा था, आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। गलती मत करिएगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, देखिए न्यूटन पर सेकंड लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल सा देखिए न्यूटन एन और इनटू एस, बस इतना ही आपको आवेग का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ गलती मत करिएगा। अगर यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इंपल्स। अगर आवेग का यूनिट पूछता है तो क्या कर लिखोगे आप, इंपल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, एनर्जी का डायमेंशन पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा आपको, बस एम एल टू और टी माइनस टू, अगर आप लिखना चाहोगे तो एम के ऊपर वन लगा सकते हो, नहीं तो दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, बस कुछ करना ही नहीं है, बस ये आपको वन नहीं दे रहा तो कोई टेंशन नहीं, ये वन होता भी है नहीं भी होता है, ठीक है, वन ना भी देगा दोगे तभी भी चलेगा ये आंसर होगा, ठीक है। ऐसा यूनिट पूछा गया था एनर्जी का, जो ठीक है ना, एनर्जी का पूछा गया था कि ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये जूल हो जाएगा, करेक्ट आंसर जूल। तो इसका भी मैंने अच्छा से एक वीडियो बना रखा है, कम से कम 10 या 15 मिनट का वीडियो है, वो उसको आप जाके जरूर विजिट करके देख सकते हो, 17 मिनट का होगा शायद, उसको देखिएगा, कम से कम बहुत कम से कम 40 से 50 जो है ना यूनिट ऐसा यूनिट करा रखा है, 40 से 50 का 100 भी के करीब भी हो सकते हैं, उसको देखिएगा जरूर। अर्जेंटीना की भाषा पूछी गई है, क्या हो जाएगी भाई, अर्जेंटीना की भाषा हो जाएगी स्पैनिश, क्या हो जाएगी, स्पैनिश हो जाएगी। वीडियो को देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिल्खा सिंह ने किस वर्ष में 400 मीटर जो रेस है वो जीता है, और उन्होंने जो रिकॉर्ड है वो कायम किया था, कहाँ पर कायम किया था, देखिए ये 1958 ईस्वी में जीता था इन्होंने, देखिए कुछ ऑप्शंस गलत दे रखे थे उसमें, 1960 दे रखा था, 1970 दे रखा था, आप जो है ऑप्शंस को मिला लेना है, देखिए 1958 ही होगा, इसमें ही उन्होंने जो 400 मीटर का जो रेस है उन्होंने जीता है, और रिकॉर्ड कहाँ पर कायम किया है, कौन सा गेम में कायम किया है, तो ये नेशनल गेम इन इंडिया, आंसर हो जाएगा आपका नेशनल गेम्स इन इंडिया। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या राइडर कप पूछा गया था, किससे संबंधित है,
जो राइडर कप होता है, आप गलती मत करिए कि जो राइडर का मतलब होता है घुड़सवारी, लेकिन घुड़सवारी का जो होता है ना वो गलत है, घुड़सवारी जो होता है ना वो गलत है, वो राइडर है लेकिन राइडर कप के नाम से अलग होता है। कुछ बच्चे गलती करते हैं क्या, राइडर है तो मतलब घुड़सवार लिख के आ जाते हैं, लेकिन नहीं, ये जो पूछा गया कप जो है ना किससे संबंधित है, ये गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ जो हम लोग क्या करते हैं, गोल्फ जो मारते हैं, यहाँ पर देखिए एक 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 बंदा रहेगा यहाँ पर, एक डंडे से मारेगा उस और एक बेल में या गुप्पे में डाल देगा, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं गोल्फ। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे फ्रेंड्स, एक मैथ्री एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए मैथ्री एक्सरसाइज क्या होती है कि ये इसका आना जाना होते रहता है, ये एक्सरसाइज का जो चलता है ये कहाँ कहाँ तक चलता है, ये थाईलैंड तक चलता है, थाईलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आपने थाईलैंड अगर लगाया है तो बहुत ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गोल्डन गर्ल के नाम देखिए कौन कौन सी गर्ल मतलब प्रख्यात है, विख्यात है, जो बोल सकते हैं उसको। देखिए इन्होंने भी 400 मीटर के रेस में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये कहाँ की रहने वाली, देखिए असम के नौगांव स्टेट की रहने वाली है, ठीक है ना, और ये बहुत ही मतलब बहुत नीचे मतलब गरीब घर की घराने की लड़की थी, लेकिन उन्होंने हमारे भारत का नाम पूरा फख्र से ऊंचा कर दिया है, इसलिए इनका नाम गोल्डन गर्ल के रूप में विख्यात हो गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि IDA का पूर्ण रूप क्या है, IDA का पूर्ण रूप, देखिए गलती मत लिखिए, कोई भी गलती कम मत करिए, देखिए पढ़ लीजिए एक बार, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, क्या, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, Washington DC में, गलती मत करिएगा, पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है ना। ये क्या है, एक संगठन है जो क्या काम करती है, अपने कार्य में बहुत ही तत्पर रहती है, क्या है संगठन का नाम, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, Washington DC, कहाँ पर, Washington DC। तुर्की की मुद्रा पूछी गई, तुर्की की मुद्रा क्या, मुद्रा क्या, बहुत ही ज़्यादा मैंने इस वीडियो को मैंने लंबा नहीं करूँगा, लेकिन देखिए वीडियो को देखिए लंबा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, और देखिए तुर्की की मुद्रा मैंने बहुत पहले करा रखा हूँ, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख सकते हो, ठीक है ना। तुर्की की मुद्रा क्या हो जाएगी, तुर्किश लीरा, और मेरे लूसेंट के कम से कम 500 प्लस क्वेश्चंस हैं, उसको आप जरूर कवर कर लीजिएगा, आपके जो नेवी MR SSR AA का जो एग्ज़ाम है ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, उसको आप 500 जो क्वेश्चन है वो उसमें करेक्टली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। आप चैनल विजिट करके उसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना, वो आप वहां से जाकर देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्वर रोग पूछा गया है किस कारण से होता है, ज्वर रोग आपका शरीर का तापमान अधिक होने से, क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है कि क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, लेकिन बट कुछ बच्चे व्हाट्सएप में जो घोषणा कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन आया है, लेकिन ये ज्वर रोग पूछा गया था, ज्वर रोग पर एक क्वेश्चन बना था, तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना था, मतलब पूरा एक मैं बना दिया कि ज्वर रोग किसके कारण होता है, तो ये शरीर का तापमान अधिक होने से होता है, ठीक है ना, क्या, शरीर का तापमान अधिक होने से। जाकिर हुसैन पूछा गया था किससे संबंधित, जाकिर हुसैन बहुत ही बड़े तबला वादक है, कौन है, बहुत ही बड़े तबला वादक है, इनको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े बड़े पुरस्कार भी इनके लिए मिले हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेताजी खेल अकाडमी पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, पटियाला पंजाब में स्थित है, कहाँ पर, पटियाला पंजाब में स्थित है। जापान के प्रधानमंत्री पूछा गया था कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे आपके शिंजो आबे, कौन हो जाएगा, शिंजो आबे। देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए गोल्डन गर्ल बुक के राइटर पूछा गया है कौन है, तो गोल्डन गर्ल बुक के राइटर आपके हो जाएंगे लोकेश शर्मा, ये अगर आपने अगर ऑप्शंस में अगर करेक्ट किया है तो आपके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए गोल्डन गर्ल बुक जो है ये सेम टू सेम पीटी उषा टाइप का है, और इन्होंने जो राइटर है लोकेश शर्मा, ये इस बुक से जो पीटी उषा का जो बुक है उससे प्रभावित होकर ये बुक लिखा है इन्होंने, गोल्डन गर्ल बुक, ठीक है ना। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम पूछा गया है कहाँ पर होंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हो, देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम पूछा गया है कहाँ पर होंगे, तो ये बर्मिंघम UK यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है ना। यूनिट ऑफ इंपल्स का यूनिट पूछा गया, तो क्या हो जाएगा, NMS, न्यूटन मीटर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, न्यूटन मीटर सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा, यूनिट पूछी गई थी इंपल्स की। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में GST का मॉडल पूछा गया है किस देश से लिया गया, कंफ्यूज हो रहा था मैं भी, देखिए कनाडा से कुछ बच्चे करते थे, लेकिन फ्रांस, और ये क्वेश्चन आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको गलती मत करिएगा, फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कुछ बच्चे मतलब यहाँ पर कमेंट में भी बोलते हैं कि सर इसका क्वेश्चन है जो इसका आंसर कनाडा होना चाहिए, लेकिन ये फ्रांस है, आप देख सकते हो, देखिए गूगल करके देख सकते हो। सांप से कौन लड़ सकता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए सांप से सिर्फ नेवला लड़ सकता है, कौन, नेवला लड़ सकता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट के बुक में सारे के सारे मिल जाएंगे, मेरे जो भी बुक मैंने प्रोवाइड किया है 500 प्लस क्वेश्चन, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक सिंपल सा नेवी का एग्जाम देने के लिए आपको बहुत ही मेहनत नहीं करनी है, बस उसको वीडियो को देख लेना। देखिए मैथ्स के लिए, मैथ्स को मैं बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चन अंत में पूछे गए हैं, देखिएगा वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जरूर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछी गई है कि इसकी ऊंचाई जो है कितनी है,
आपको मैं बता दूँ, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके, जो बहुत ही बड़े जो नामी ग्रामी जो है ना नेता थे, उनके नाम से मतलब ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का ऊंचाई मतलब ये बना है। कहाँ पर? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर ये बना है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। और ये बना कहाँ पर है? ये बना है गुजरात में ही बना है, ठीक है, ये गुजरात में ही बना है, ठीक है ना। और ये कितनी पूछी गई थी कि इसकी, कल भी एक क्वेश्चन आया था इसका, तो देखिएगा जरूर इसकी जो किसके नाम से ये बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो ये वल्लभ भाई पटेल के नाम से बनी है। और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है? ये 182 मीटर। कितनी? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। टाइफाइड रोग जो होता है ना, किस कारण से होता है? टाइफाइड रोग जो होता है बैक्टीरिया सेलमोनेला टाइफी, इसको बोलते हैं, जो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ना सेलमोनेला टाइफी, सेलमोनेला ऐसा टाइफी ऐसे कुछ नाम है इसका, जो है आपका टाइफाइड रोग का मुख्य कारण, ठीक है। बल आघूर्णन का विमीय सूत्र पूछा गया है। बल आघूर्णन का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? M1 दे सकते हो, नहीं देने से कोई बात नहीं है। ML2 और T-2, ये सेम चीज़ सेम ऊपर में लिखा था मैंने। नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? तो पंजाब पटियाला, सेम क्वेश्चन, ठीक है ना। नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है, ठीक है ना, पंजाब पटियाला में, ठीक है। एक क्वेश्चन सिंपल था पूछा गया था, 2-2, ठीक है, ये तो कट गया आपस में, और 3 × 2 कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर हो जाएगा -6, आंसर आपका हो जाएगा -6, ठीक है। करचॉफ्स लॉ के नियम से एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में आपने अगर पढ़ा होगा तो करचॉफ्स लॉ जरूर पढ़ा होगा। ये जो करचॉफ्स लॉ है आपको सर्किट से होकर सर्किट में कार्य करता है, पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट से काम करता है। देखिए इसमें एक लॉ होता है जिसमें फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है ना, ये सर्किट जाते हैं, ये क्या है, B=IR, या सॉरी B=IR, ये फॉर्मूला भी है इसमें यूज़ करने वाला करचॉफ्स लॉ के नियम से। आप कमेंट में जरूर बताइए क्या क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो मैं उसको अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आंसर क्या होगा आपका, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दिया हूं। तो वीडियो को एंड तक देखकर अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल में जुड़ जाइएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे ऑथेंटिकेट मिलेंगे और पूरे के पूरे पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो वीडियो को देख लीजिएगा जरूर। और देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ मैथ्स में क्या क्या क्वेश्चन आज के दिन में पूछे गए हैं। तो देखिए मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, जैसे सिंपल सा कल वैसे आया था, एक ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आया था। ये मैं बता दूँ अभी परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं परसेंटेज से, ठीक है ना, एवरेज से बन रहे हैं क्वेश्चन। एवरेज को देखिएगा जरूर, परसेंटेज को देखिएगा जरूर, ट्रिग्नोमेट्री को देखिएगा जरूर, ठीक है ना। और मेंसुरेशन को 1-2 देख लीजिएगा, मेंसुरेशन को देख लीजिएगा, और एलसीएम एचसीएफ को देख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ को, ठीक है ना, एलसीएम और एचसीएफ, लसा मासा जो बोलते हैं हम लोग, ये एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे, और बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट का। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, देखिए सेकंड शिफ्ट का जैसे आता है मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा, और वो भी करेक्ट क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।